सिंपल स्ट्रैटेजी है, तीन तरीके से अगर काम करोगे तुम बिल्कुल कंफ्यूज भी नहीं होगे और तुम मैक्सिमम स्कोर भी कर सकते हो बिना एंजाइटी के। तो पॉइंट नंबर वन ये है कि तुम्हें तीन का कॉम्बिनेशन बनाना है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश। नाउ सिंपल सा लॉजिक है, इंग्लिश और बिजनेस बहुत आसपास है और अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस छूट गई इन पूरे दिनों में तो एंड में एंजाइटी बहुत बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, तीनों का कॉम्बिनेशन बना के चलो। पॉइंट नंबर टू पे आ जाता हूं, अगर तुम सैंपल पेपर बुक्स कर रहे हो तो अब अगर तुम तीन तीन चार चार सैंपल पेपर बुक कर रहे थे उनको छोड़ के सिर्फ एक सैंपल पेपर बुक पे आ जाओ तुम्हें बहुत फायदा होगा। फिर फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा पब्लिकेशन हाउस उठा रहे हो, मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ओसवाल बुक्स के लिए रहता है तो तुम उसकी तरफ सकते हो, बाकी तुम्हारी चॉइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर थ्री, बिजनेस स्टडीज पे ज्यादा टाइम स्पेंड मत करना, MCQs, assertion reasons पे बहुत डिटेल नहीं पूछा जाएगा, वो रिसर्च मैं तुम्हारे लिए करके बैठा हूं। अगर तुमने बिजनेस स्टडीज का 20 डेज प्लेज पूरा देखा है जो आज खत्म हो रहा है, तुम्हारा वैसे भी बिजनेस स्टडीज पूरा हो जाएगा एंड प्लस तुम्हारी वो जो 10-10, 12-12 घंटे की मेहनत है वो बच जाएगी।